वर्ल्ड कप 2023 कौन जीतेगा? दोस्तों, यह भविष्यवाणी लोगों ने जाननी चाहिए है। हालांकि मैंने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। अब बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी। दोस्तों, मैंने वर्ल्ड कप 2023 में जितनी भी सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन सभी कंट्रीज की जन्म कुंडली, जो कि हम मंडन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर करते हैं, वो एनालाइज की है। उनके जो कैप्टन हैं, उनकी कुंडली को एनालाइज किया है, और एनालाइज करने के बाद मेरी जो प्रेडिक्शन है। अब बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न ये भी आए कि जो सेमीफाइनल में टीम आने वाली है, उनमें से नंबर 1, 2, 3 पे कौन रहने वाली है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें भारत की जो प्रबल दावेदारी जो बनती है, वो बहुत, मैं कहूंगा कि बनती है, और रोहित शर्मा जो कि भारत के कप्तान हैं, उनकी जन्म कुंडली का मैंने एनालाइज जो किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। रोहित शर्मा की कुंडली इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरे जो भारत के मैं कहूंगा धुरंधर बैट्समैन है, विराट कोहली के भी प्लेनेट बहुत अच्छे चल रहे हैं, और जो पूरी टीम है उसमें जो कुछ प्लेयर्स हैं, उनके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यह जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें भारत की जो प्रबल दावेदारी है वो निश्चित रूप से बनती है। तो यह जो वर्ल्ड कप है, इसमें भारत जीतेगा, लेकिन नंबर 2 पर कौन रहेगा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका? दोस्तों, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि नंबर 2 पर कौन रहेगा, नंबर 3 पर कौन रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, नंबर 2 पर, या फिर आपको क्या लगता है कि यह वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में आप हमको लिखकर भेजिए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, फेवरेट आपका प्लेयर कौन सा है, और आप कौन सी टीम को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखना चाहते हैं। मेरी जो भविष्यवाणी यहां पर है कि भारत यह वर्ल्ड कप जीतेगा। दोस्तों, हमने इस वर्ल्ड कप को लेकर और पहले से भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उसमें मैंने जो भविष्यवाणी विराट कोहली को लेकर की थी, या फिर जो इससे पहले वर्ल्ड कप हुआ था, एमएस धोनी, रोहित शर्मा और भारत के प्लेयर्स के साथ साथ इंटरनेशनल जो टीम जो क्रिकेट खेलती है, उन प्लेयर्स के बारे में भी मैंने भविष्यवाणी की थी, जो कि 100% सत्य साबित हुई। यदि आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं कि मैंने जन्म कुंडली के आधार पर जो भविष्यवाणी की थी वो 100% सत्य हुई। दोस्तों, यदि आप भी अपने बारे में भविष्यवाणी जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी बर्थ डिटेल लिखें और जो भी आपकी क्वेरी है वो लिखें। दोस्तों, यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम वो वीडियो आपके लिए तुरंत लेकर आए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। आज के लिए केवल इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।